ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए एक हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन सत्ता के लिए रस्साकसी अब तक जारी है। बीजेपी और शिवसेना के बीच अभी भी 50-50 फार्मूलों पर मामला अटका हुआ है। आज शिवसेना भवन में शिवसेना के 56 विधायकों की बैठक बुलाई गई थी, सभी ने अपनी सहमति दी है। शिवसेना के विधायक दल की बैठक में एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुना गया है। इसके लिए भी आदित्य ठाकरे ने भी प्रस्ताव रखा था, जिस पर शिवसेना के सभी 56 विधायकों ने अपनी सहमति दी है। और वही सुनील प्रभु को सदन में पार्टी का चीफ व्हिप बनाया गया है। बैठक में बीजेपी के उप मुख्यमंत्री पद वाले ऑफर पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि इस बैठक में आदित्य ठाकरे को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। हालांकि आदित्य ठाकरे ने खुद एकनाथ शिंदे के नाम का प्रस्ताव रखा था। इसी के साथ ही सत्ता को लेकर सस्पेंस और गहरा हो गया है। दूसरी ओर गुरुवार को शिवसेना के सभी विधायक राज्यपाल से मुलाकात किए, लेकिन इसके पहले संजय राउत ने दी थी चेतावनी, हमें बच्चा पार्टी समझने की भूल ना करें। हम अपने वादों से पीछे नहीं हटे हैं, बीजेपी वादों से हटी है पीछे। 105 सीटों से अगर सरकार बनती है, क्या अगर बनती है तो वो जाकर सरकार बना ले, ये संजय राउत ने कहा। आपने देखा होगा उनकी वीडियो में, हम नहीं पीछे हटे हैं। अगर पीछे हटे हैं अपने वादे और वायदे से तो हमारा मित्र पक्ष है। तो हम तो हमारी मांग है, मांग के साथ आगे जाएंगे। अपने वादे से मुकर रही है, आपको लग रहा है? हाँ तो ठीक है, तो उनको मिलने वाला है क्या? 105 विधायक दल का विधायकों का समर्थन से मुख्यमंत्री पद मिलता है तो मुझे एक बार संविधान की किताब देखनी पड़ी। बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि शिवसेना के पास फडणवीस के आगे झुकने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। बीजेपी ना तो शिवसेना को मुख्यमंत्री पद देगी और ना ही नगर विकास और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय। शिवसेना 56 सीटें जीती है और कई विधायकों ने शिवसेना को समर्थन दिया है। अब तक 62 विधायक शिवसेना के पास हैं। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद एकनाथ शिंदे समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता रामदास कदम और आदित्य ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सरकार गठन के सवाल पर आदित्य ठाकरे ने कहा, इस बारे में आखिरी फैसला उद्धव ठाकरे लेंगे, अभी हम जनता के मुद्दों को लेकर राजभवन में आए हैं और जैसे ही पिछले 5 सालों में जनता के लिए काम करते आए हैं वैसे ही हम आगे भी करते रहेंगे। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।